दोस्तों, आपके हिसाब से विज्ञान में रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है? स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी? वेल, यू वुड बी शॉक्ड टू नो, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक आज भी ह्यूमन एवोल्यूशन को हिस्ट्री और साइंस का सबसे टफ रिसर्च और एनालिसिस वाला सब्जेक्ट मानते हैं। हमारे ह्यूमन बनने की एवोल्यूशनरी टाइमलाइन से लेकर हमारे आज की डेट तक डेवलप होने में कितनी स्पीसीज का योगदान रहा है, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जितना सोचो ये हमें उतना ही कंफ्यूज कर देते हैं। और इतनी कंफ्यूजन कम थी कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नर कंकाल खोज निकाला है जैसा उनके हिसाब से मानव इतिहास में पहले कभी भी खोजा नहीं गया है। ये नई ह्यूमन स्पीसीज ना सिर्फ हमें ह्यूमन एवोल्यूशन के अंडरस्टैंडिंग की एक क्लियर इमेज दे रही है, बल्कि हमारे नॉलेज को चैलेंज करते हुए कई मौकों पर उसे गलत भी ठहरा रही है। लेकिन आखिर कैसे, और क्या इसके द्वारा खड़े किए गए सवाल डार्विन की थ्योरी को भी सिरे से नकार देता है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 7 मिलियन साल पहले, जब ये दुनिया मियोसीन एपोक का सामना कर रही थी। नाउ बेसिकली मियोसीन एपोक 23.03 से लेकर 5.333 मिलियन साल पहले के टाइम पीरियड को कहा जाता है, जिसमें कई जियोलॉजिकल सीरीज ऑफ इवेंट्स की वजह से धीरे धीरे धरती अपने गर्म टेम्परेचर से आइस एज की तरफ शिफ्ट हो रही थी। अब इसी ग्रेजुअल चेंज की वजह से कभी बर्फीली परत जमने के कारण तो कभी किसी और वजह से धरती और खास करके अफ्रीका के हिस्सों में पेड़ों की तादाद लगातार कम होती जा रही थी, जो वैसे तो बहुत गलत है, पर ये हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हमारे पूर्वज बंदर जो पूरा दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाते हुए निकाल देते थे, पेड़ों के कम होने के बाद उन्हें टहनियों से जमीन पर आना पड़ा। अब शुरुआत में तो इन्हें इस मामले में बहुत सारी दिक्कतें हुई, क्योंकि उनकी बॉडी इतने सालों से पेड़ों पर डिपेंडेंट होने की वजह से इस तरह से डिजाइन हो गई थी कि उनकी बोन्स और उनकी मसल्स पेड़ों पे कूदने के ही फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाती थी बजाय कि जमीन पर चलने के। मगर इस स्लो चेंज की वजह से धीरे धीरे बंदरों को भी जमीन पर आना पड़ा, यहाँ चलना सीखना पड़ा, जिस वजह से एक बार फिर से उनके शरीर में कुछ बदलाव हुए। उनकी बॉडी जमीन पर चलने के लिए थोड़ा हैबिचुअल हुई, जिस वजह से उनकी स्पाइन पहले के मुकाबले स्ट्रेट होने लगी। और धीरे धीरे इन्हीं बदलावों की वजह से प्राइमल मंकीज ने इंसानों की कुछ सबसे पुरानी और सिग्निफिकेंट प्रजातियों में से एक सैलेंथ्रोपस का रूप लिया। आगे आने वाले समय में फिर यही स्पीसीज और भी बहुत सारे बदलाव से होकर गुजरी, जहां करीब 1 मिलियन साल बाद ये ओरोएन नाम के एक प्रजाति में परिवर्तित हो गई। और आगे फिर एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज पर ब्रांच आउट होने का ये सिलसिला लगातार चलता रहा, और धरती ने अपनी जमीन पर दर्जनों इंसानी प्रजातियों को विटनेस किया। हालांकि यहाँ पर फिर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी आई वो देखने को मिली आज से 5 लाख साल पहले होमो इरेक्टस के दौर में। होमो इरेक्टस को हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन की सबसे इम्पोर्टेंट स्पीसीज के रूप में ट्रीट किया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि करीब 2 मिलियन साल पहले एग्जिस्टेंस में आने वाली ये स्पीसीज ना सिर्फ लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ह्यूमन स्पीसीज में से एक है, बल्कि पहले प्रॉपर अपराइट मैन और आज के दौर की मैक्सिमम ह्यूमन स्पीसीज को अपने ही अंदर से ब्रांच आउट करवाने की वजह से इन्हें हमारा प्राइम एंसेस्टर भी कहा जाता है। नियंडरथाल से लेकर होमो हाइडलबर्गेंसिस और इवन हम होमो सेपियंस तक बाद में ओरिजिनेट होने वाली सारी मेजर मानव जनजातियां इन्हीं से निकली हुई है। अब हर कोई ऐसा ही माना करता था, जब तक कि साल 2019 में वैज्ञानिकों को कुछ बेहद ही खतरनाक नहीं मिल गया। ईस्ट चाइना में मौजूद हुआ लॉन्गडोंग, जो जाना ही जाता है आए दिन किसी न किसी फॉसिल की खोज के लिए, वहां पर साल 2019 में एक 3 लाख साल पुराना स्कल और लेग बोन को खोज कर निकाला गया। ढांचे को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी 12 या 13 साल के बच्चे का नॉर्मल सा स्कल हो, जिस पर शुरुआत में तो इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अभी 31 जुलाई 2023 के दिन जब इसकी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद पूरी रिपोर्ट पब्लिश हुई, तो ये पता चला कि ये स्कल आज के खोजे गए सभी फॉसिल्स में से बिल्कुल अलग है। HDL6 नाम के इस स्कल की जांच करने पर ये पता चला कि ये स्कल मॉडर्न ह्यूमंस और किसी अननोन ह्यूमन स्पीसीज के मिक्सचर से बना हुआ है, जिसे अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं। हालांकि इस फॉसिल की सबसे बड़ी बात यह है ना कि इस खोजे गए ढांचे के स्कल का एरिया तो किसी होमो इरेक्टस या फिर उससे अलग हुई स्पीसीज से काफी मेल खाता है, लेकिन इसका बाकी का शरीर कुछ और ही कहानी कह रहा है। सीयूजी वू, जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के
एक जाने माने पैलियंटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि इसका शरीर ऐसा है जैसे मानो दो अलग अलग दौर के हिस्सों को जोड़ दिया गया हो। जहां इसका स्कल होमो इरेक्टस और मॉडर्न ह्यूमन स्पीसीज वाले लक्षण दिखाता है, वहीं इसके लिम्स, स्कल कैप और रिसीज्ड चिन इस तरह की बनी हुई है ना जैसे ये किसी बहुत पुरानी सभ्यता से आ रहा हो। ऑल्दो टेस्टिंग्स और एनालिसिस में ये बात कंफर्म हो गई थी कि ये सारे हिस्से एक ही शरीर के हैं, लेकिन फिर इसके ट्रेट्स आज तक खोजे गए सभी फॉसिल्स में से इतने ज्यादा अलग क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस वक्त किसी के पास भी नहीं है, और यही कारण है कि नई स्पीसीज होने के बावजूद भी HLD6 को कोई ऑफिशियल होमो कैटेगरी भी अभी तक नहीं दी गई है। मगर जरा रुकना, क्योंकि रहस्यों का खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब HLD6 के फेशियल स्ट्रक्चर में कोई चिन्ह नहीं है जो कि होमो इरेक्टस या उससे डाइवर्स होने वाले किसी भी स्पीसीज का प्रोमिनेंट फीचर नहीं है, बल्कि ये फिजिकल फीचर्स डेनिस ओवंस में पाया जाता था, जो इस स्कल के केस के हिसाब से बहुत ही डिफरेंट और अनयूजुअल बात है। डेनिस ओवंस भी आज से लाखों साल पहले धरती पर आने वाली एक बहुत ही मशहूर मानव प्रजाति है, जिसने साइबेरिया और साउथ ईस्ट एशिया में लाखों सालों तक अपने पैर पसारे थे। लेकिन दिक्कत क्या है कि साउथ ईस्ट एशिया में इस का आगमन आज से 1.5-2 लाख साल पहले ही हुआ था, जबकि खोजे जाने वाला ये फॉसिल 3 लाख साल पुराना है। नाउ डेनिस ओवन या उससे रिलेटेड किसी भी स्पीसीज का इतना पुराना फॉसिल कभी भी साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में पाया ही नहीं गया है, क्योंकि ये टाइम पीरियड इस तरह के फॉसिल को जस्टिफाई ही नहीं करता, जिस वजह से ना सिर्फ इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि इतिहास के अंदर साउथ एशिया में और भी बहुत सी ह्यूमन स्पीसीज और ह्यूमन सोसाइटीज एग्जिस्ट करती रही होंगी जिन्होंने होमो सेपियंस से ज्यादा यहाँ के कल्चर को इन्फ्लुएंस किया होगा। अब इनके बारे में जानना और जानकारी जुटाना हमारे लिए इसीलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि हम अपने स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन और एंशियंट हिस्ट्री को बिना किसी गैप के अंडरस्टैंड कर सके। हालांकि बीते कुछ सालों में ये ऐसा पहला केस नहीं है जिसमें होमो सेपियंस की एग्जिस्टेंस और उसकी ओरिजिनेशन को क्वेश्चन किया गया हो। अब देखो, हमेशा से ही ऐसा माना जाता रहा था कि होमो इरेक्टस से ही इवॉल्व होकर होमो सेपियंस काफी रिसेंटली एग्जिस्टेंस में आए थे, स्पेशली आउटर अफ्रीकन एरियाज में। लेकिन साल 2017 में मोरक्को के एक इलाके में एक ऐसा ह्यूमन फॉसिल खोजा गया था जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स होमो सेपियंस के स्केलेटन से बहुत ज्यादा मेल खा रहे थे। अब इस खोज के बाद हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होमो सेपियंस होमो इरेक्टस या फिर ऐसी किसी स्पीसी से सेपरेट हुए थे, ना सिर्फ ये एक डाउट का विषय बन जाता है बल्कि ये भी अपने आप में दिमाग हिला देने वाले शक की तरह बैठ जाता है कि होमो सेपियंस फिर आए कब थे, क्योंकि 3 लाख साल पहले के मॉडर्न होमो सेपियंस से मिलती जुलती खोपड़ी का मिलना हमारे फैक्ट्स को तो सिरे से नकार देता है। साल 2019 में भी एक ऐसा ही केस सामने आया था जब ग्रीस और इजराइल में एक मॉडर्न ह्यूमन का स्कल खोजा गया था, और वो अफ्रीका के बाहर खोजा गया मॉडर्न ह्यूमन का सबसे पुराना स्कल था, जिसने भी उस वक्त हमारे चार्ट में इस चीज को रिजेक्ट किया था कि मॉडर्न ह्यूमंस आज से 1.5-2 लाख साल पहले ही अफ्रीका से बाहर निकले होंगे। जबकि ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम के खुद के आंकड़ों के हिसाब से मॉडर्न होमो सेपियंस ओरिजिनेट ही 1,60,000 साल पहले हुए थे, जो अफ्रीका के बाहर पाए जाने वाले इस स्केलेटन से भी बहुत आगे का नंबर है। अब अगर 1,60,000 साल पहले आने वाली स्पीसीज का स्कल 2,10,000 साल पहले मिल रहा है, तो इसका या तो ये मतलब बनता है कि किसी ने टाइम मशीन का इस्तेमाल किया होगा, या फिर ये मतलब बनता है कि हमारी ही रिसर्च में कोई फ्लॉ रह गया था। अब आप समझ लीजिए कि दोनों में से ज्यादा लॉजिकल तरीका आखिर कौन सा लगता है। इसके अलावा भी बीते कुछ सालों में ऐसे बहुत से फॉसिल्स खोजे गए हैं और उन फॉसिल्स से रिलेटेड ऐसी बहुत सी रिसर्च और एनालिसिस पब्लिश की गई है जिसमें एक्सपर्ट्स ने ना सिर्फ ह्यूमन एवोल्यूशन का नया चार्ट दिया हो, बल्कि कुछ खोजें तो ऐसी भी हुई है जो डार्विन तक की क्रोनोलॉजी और डार्विन द्वारा दिए गए नंबर्स को भी डिनाइड कर चुकी है, जो इस बात का साफ सबूत है कि हम फाइनली सही आंकड़ों की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं और इंसानों के इतिहास को लेकर हमारी समझ हमेशा से कितनी अधूरी रही है, जिसे अब फाइनली फॉसिल्स की खोज से हमें पूरा करने का मौका मिल रहा है। अब हो सकता है कि हमारे पूर्वज वो हो ही ना जिन्हें हम हमेशा से मान रहे हैं और जिनके बारे में हमने हमेशा किताबों में पढ़ा है, बल्कि क्या पता हकीकत किसी और ही ऐसी स्पीसीज से जुड़ी हो जिसके बारे में हम अभी तो नहीं जानते मगर जल्द ही जान जाएंगे। क्या पता हम एलियन से भी इवॉल्व होकर इंसान बने हो, क्योंकि जहां साइंस इन्वॉल्व होता है वहां पॉसिबिलिटीज हमेशा एंडलेस हो जाती है और कई कई बार तो इम्पॉसिबल भी। हालांकि एलियंस वाले इस एंगल पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है।
दोस्तों मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।